कलिकाल सर्वज्ञ। तंदुका नाम के नगर में चारिक सेठ और पाहिनी सेठानी सुखपूर्वक रहते हैं। सेठानी पाहिनी एक रात को स्वप्न में चिंतामणि रत्न को देखती है और वह रत्न गुरुदेव को सौंप देती है। सुबह पाहिनी गुरुदेव को वंदन करने जाती है और स्वप्न की बात करती है। गुरुदेव श्री देवचंद्र सूरी महाराज कहते हैं, पाहिनी तुम रत्न जैसे पुत्र को जन्म दोगी, वह दीक्षा लेकर जिनशासन का सूरी सम्राट बनेगा। ईस्वी सन 1079 में पाहिनी पुत्र रत्न को जन्म देती है, उसका नाम रखते हैं चंगदेव। चंगदेव बड़ा होता है तब माता पाहिनी उसे गुरुदेव श्री देवचंद्र सूरी महाराजा को सौंप देती है। गुरुदेव चंगदेव को अपने साथ ले जाते हैं। 9 वर्ष की उम्र में चंगदेव खंभात में दीक्षा का स्वीकार करता है। श्रेष्ठ पुत्र चंगदेव बनता है बाल मुनि सोमचंद्र। गुरुदेव के पास शास्त्रों का अभ्यास कर बाल मुनि सोमचंद्र शास्त्रों के जानकार बनते हैं। एक बार बाल मुनि सरस्वती का जाप करते हैं, तब सरस्वती स्वयं प्रकट होकर बाल मुनि को सिद्ध सारस्वत का वरदान देती है। मुनि सोमचंद्र की योग्यता देखकर गुरुदेव श्री ईस्वी सन 1110 के साल में उन्हें आचार्य पद प्रदान करते हैं। मुनि सोमचंद्र का नया नामकरण होता है आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सूरी महाराजा राजा कुमारपाल को प्रतिबोध करते हैं। उस समय के दौरान देवबोधि नामक पंडित केले के पत्तों और कमल की नाजुक दंडी से बनी पालकी पर सवार होकर राजसभा में आता है। राजा कुमारपाल को मंत्र शक्ति से उसके पूर्वजों को दिखाता है और जैन धर्म का त्याग करने को कहता है। तब कलिकाल सर्वज्ञ श्री भी कुमारपाल को अपनी मंत्र शक्ति का पर्चा दिखाते हैं। एक के ऊपर एक इस तरह 7 पाट पर बैठकर कलिकाल सर्वज्ञ श्री प्रवचन देते हैं। तब एक के बाद एक पाठ निकाल देने के बावजूद हवा में ऊपर रहकर कलिकाल सर्वज्ञ श्री को प्रवचन देते देखकर कुमारपाल को आश्चर्य होता है और कुमारपाल को उसके पूर्वजों को दिखाकर जैन धर्म का पालन करने को कहते हैं। अंत में कलिकाल सर्वज्ञ श्री कहते हैं, राजन ये सब तो माया जाल है, एकमात्र जैन धर्म ही सही है। राजा कुमारपाल जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धावान होते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ श्री के उपदेश से राजा कुमारपाल नियम लेते हैं कि बारिश के 4 महीने देव और गुरु वंदन के सिवा महल से बाहर निकलना नहीं है। इस नियम को जानकर शक देश का बादशाह कुमारपाल के साथ युद्ध करने आता है। तभी कलिकाल सर्वज्ञ श्री मंत्र शक्ति से उस बादशाह को बिस्तर के साथ पाटन में ला देते हैं। वर्ष में 6 महीने अहिंसा का पालन करने की शर्त पर राजा कुमारपाल उस बादशाह को मुक्त करते हैं। राज दरबार में एक बार कलिकाल सर्वज्ञ श्री अमावस्या के दिन गलती से कह देते हैं, आज पूनम है। तभी ईर्ष्यालु पंडितों को जैन आचार्य और जैन धर्म की निंदा करने का मौका मिलता है। इसीलिए कलिकाल सर्वज्ञ श्री शासन देवी की आराधना कर सिद्ध करते हैं। और अमावस्या के दिन भी आकाश में पूनम का चांद दिखाई देता है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री सिद्ध हेम शब्दानुशासन त्रिषष्टी शला का पुरुष, योग शास्त्र, वितराग स्त्रोत आदि 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण शास्त्रों का सृजन करते हैं और उसे लिखने के लिए राजा कुमारपाल 700 लहियों को रखते हैं। ऐसे अनन्य शासन प्रभावक आचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ श्री
हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा 84 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर ईस्वी सन 1173 में काल धर्म होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बुद्धि बढ़ानी है, तो हर रोज कलिकाल सर्वज्ञ श्री की छवि को वंदन करें और कम से कम एक गाथा को मुखपाठ करें। आज भी चमत्कार होगा।